मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नई मुक्तक, कुछ नई कविताएं आपको सुना सकूं। हर साल मैं आता हूं। ये जो भी संपत सरल जी ने आपको कहा प्रेम के विषय में, जितनी विरोधी बातें की, इनका मुझे बेहद दुख है, क्योंकि ऐसी बातें वही करता है जिन पे कुछ खास हो नहीं पाया होता है। प्रेम एक शाश्वत कार्यक्रम है, इसे करते रहिएगा, ये इसी के लिए हम बने हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि आप राजनीति पर क्यों नहीं लिखते, पाकिस्तान पे क्यों नहीं लिखते। प्रेम हजारों साल पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 63 साल पहले नहीं था। तो शाश्वत विषयों पर कविता लिखो, यूनिवर्सल बातों पर कविता लिखो। समय की सीमा है, बहुत कम समय है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ नया नया सुनाऊं। पहली मुक्तक पढ़ रहा हूं, और जिसे कहते हैं कि जैसा मुझे सुनते हैं आप, वैसा ही सुन के बता दीजिए, तो मैं आपको सुना के बताऊंगा। सुनेगा क्या तुम पिछली बार वाले को हंस रहे हो क्या? इसका तीसरे अटेम्प्ट में हुआ था। हो सकता है ये भी कई बात सुनिए। हाँ जी, कि मेरा अपना तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। क्या बात। और संपत जी, आपने कितनी प्रेम विरोधी बातें की। अपन इंच टेप नहीं लाए, लेकिन अगली पंक्ति पर अगर ये पूरा मैदान 3-3 इंच नहीं उछला तो मैं कल से शायरी बंद कर दूंगा, आप देखना। कि मेरा अपना तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब, देख रहे हो, लब भी समझते हैं और छू भी समझते हैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा। देखो, मैं तो दो पंक्ति से पता चल जाता हूं कि आप लोग क्या। मैं नोएडा में रहता हूं, हमारे यहां सब स्कीम में चलता है। आप नोएडा आइए, केवल दो ही तरह के पोस्टर मिलेंगे आपको। एक तो कॉलेज खुल गए एमबीए के और इंजीनियरिंग के एडमिशन लो, और दूसरे फ्लैट बनने के फ्लैट बेचो, यानी कि अपना फ्लैट बेच के एमबीए में एडमिशन लो, और जब एमबीए कर लो तो हमारे फ्लैट बेचो। सारा बिजनेस घर में ही चल रहा है। हमारे यहां तो हर काम स्कीम में है। प्रेप के बच्चे से मैडम ने कहा, क्यूट सी मैडम थी, कि जो 20 तक काउंटिंग सुनाएगा उसे मैं पप्पी दूंगी। तो बच्चे ने पूछ लिया कि मैडम 100 तक याद है क्या स्कीम है, बता। क्या बात है। कि मेरा अपना तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। संपत जी, मैं इनके सब लक्षण जानता हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही जगह से पहली साल भागा था, मुझे पता है कि क्या क्या होता है। पहली साल में लड़का आता है, जब माँ बाप छोड़ने आते हैं उसे कैंपस, कितना सज्जन और शालीन होता है। बाल भी ऐसा लगता है जैसे मोची से कटवा के आया हो एकदम, बिल्कुल अच्छा सा, प्यारा सा, क्यूट क्यूट सा होता है एकदम, क्यूट। उसे जब छोड़ के आते ना मम्मी पापा, तो वो कैसे ग्लूकोज का पैकेट होता है ना, पैराशूट की शीशी होती है। हफ्ते भर बाद उन शीशी और डिब्बों की जगह दूसरे प्रकार की बोतलें आके रख जाते हैं। और अपन लाइन में खड़े होके यही कह रहे होते कि हुजूर तुसी ग्रेट हो, तौबा कबूल करो। ये सब मैं अपन इससे प्रोसेस से निकले तब कह रहा हूं, सुनना। कि मेरा अपना तजुर्बा है, और ये लड़का बता नहीं पाया, सबको बता रहा। देखो, जितने दिन बच सको इस चूहे बिल्ली के खेल से बच के रहना। जब तक प्रेम में हो तब तक ठीक है। भारतीय दाम्पत्य जीवन की आयु केवल 7-8 साल है। भारतीय दाम्पत्य जो कस्बे में प्रेम होता है उसकी औसत उम्र यही होती है। जिन लिफाफों में जिस लड़की को आप प्रेम पत्र लिखते हो, बाद में उसी में कन्यादान दे के आना पड़ता है। और 15 साल बाद वही लड़की हजरतगंज में मिल जाती है लखनऊ में, तो बच्चे से कहती है, बेटा मामा जी से नमस्ते करो। और अपन उसके गाल पकड़ के कहते हैं, बच्चे बहुत क्यूट है, तुम पर गया। बोले, जिसके पकड़ने थे तो उसके पकड़ नहीं पाया, इसका हिला रहा है बेचारा। सुनेगा। मेरा अपना तजुर्बा है
तुम्हें बतला रहा हूँ मैं। अब बता दिनेश मैं क्यों ना हूं, मैं नहीं हूं तो कौन आए भैया? कि मेरा 10 साल 7 साल ये आपके फैकल्टी पोजीशन के लोग बैठे बताएंगे नहीं, मैं भी विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप जैसा ही हूं मैं इन जैसा नहीं हूं। मुझे क्षमा करें, अध्यापक और मनहूस लगभग पर्यायवाची इस देश में। आप ध्यान से देख, मैं कैंपस में इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझसे भी प्रोफेसर ये कहते हैं डॉक्टर साहब बाकी सब ठीक है थोड़ा गंभीर रहा करो। मैंने कहा किसकी अम्मा मर गई? अरे मैं क्यों गंभीर रहूं यार, हंसने के लिए पैदा हुए। आप कैंपस में प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक कैंपस में घुसते हुए अध्यापक का चेहरा देखो, ऐसा लगता है कि किसी पुरानी कब से पीड़ित है और सुबह से अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई। आनंद में रहो, जब तक आनंद का संबंध नहीं होगा तब तक पूरा ऊर्जा का प्रवाह कैसे आप उन्हें विज्ञान समझा पाओगे? तो मैं ये सही बता रहा था, मैं तेरी बात आगे बढ़ाता हूँ। 5-6 साल होता है किसी नवविवाहित का शयन कक्षा आप चेक करिए, बहुत अच्छे तितली के पर्दे, फूल पत्ती की चादर, डिओडोरेंट, परफ्यूम, इंग्लिश फिल्म की सीडी, ऑस्कर वाली। तुम क्या खासकर वाली समझ रहे हो? उसी आदमी का शयन कक्षा आप 10 साल बाद चेक करिए, पेन जॉन बाम की शीशी, डिओडोरेंट बाम की जगह आ जाएगा एक्शन, गीता सार क्या लेकर आए थे, बाबा रामदेव की कैसे, क्योंकि अनुलोम विलोम कर रहे हो तो कपाल भांति तो वो कराई चुकी होती है जो बैठी है। सुनेगा कि मेरा अपना तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं, कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं, वाह। फिर आके यार में कैसे जिया जाए बिना तड़पे, अब जिन्हें समझ आ जाएगा वो तालियों का महोत्सव अगली पंक्ति पर करेंगे। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे, जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं, जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। बिल्कुल नया नया सुना रहा हूं, जो अभी इस सेशन में कहीं नहीं पढ़ा, अभी तक मैंने कोशिश नहीं की शायरी पढ़ने की, अब पहली लाइन पढ़ रहा हूं कविता की। मैं जानता हूं दुनिया जिन्हें चलानी है अगले कुछ सालों में वो लोग मेरे सामने हैं। पहली पंक्ति पर आपकी वाह मुझे बताएगी कि आप कितनी % शायरी इतने सालों में सीख गए। सुनिए निवेदन करता जी कि किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है। और जाइए जरा मूरत की ओर से भी, किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। अगर आधी पंक्ति आपने नहीं बोली तो मैं सोचूंगा मेरी 10 साल की कोशिश बेकार। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है। वाह बात है, वाह वाह वाह, कल से ही प्रिंसिपल हो जाओ मुझे। अब ये ढंग से कॉलेज गया नहीं तो उसे पता ही नहीं कि मैं डायरेक्टर होता है। प्रिंसिपल होता ना किसी चीज का प्रिंसिपल होता। पंक्ति पढ़ता हूं कि मेरे जीने, देखो ये क्या है कि ये बेसिकली उत्तर प्रदेश का, इसमें तो उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसी जगह है जैसे आपके यहां बंगाल में, हर जगह पूरे भारत में पहले एडमिशन होता है, फिर क्लासेस चलती है, फिर परीक्षा होती है, फिर डिग्री मिलती है। उत्तर प्रदेश में उल्टा होता है, पहले डिग्री मिलती है, बाद का काम ऑप्शनल है, आप चाहो। कहां इतनी एनर्जी लगाने आ रहा है हमारे यहां इतनी सुंदर। देखो अंग्रेजी जो हमारे यहां पढ़ाई जाती है वो कहीं नहीं पढ़ाई जाती, अंग्रेजों का जो नुकसान हमने कर दिया वो पूरा भारत नहीं कर सकता। आप कभी तीसरी क्लास में जाइए मेरठ के आसपास,
तो वो शरीर के अंग पढ़ा रहे होंगे, वो काट के चुपका देते ना आदमी, नीचे लिख देते शरीर के अंग। अंग्रेजी ने बड़ा खून पिया इस देश का, आपका भी पिया है, आपको पता ही है। वो अंग्रेजी ऐसी पढ़ाई जाती है कि पूरे लंदन ढूंढ रहा है लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन के ये अंग लग का रहे हैं। आप मेरठ में अंग्रेजी देखिए, MOUTH माउथ, माउथ माने थूथड़ा। अब वो ओबामा मिशेल से पूछ रहा, यू हैव योर थूथड़ा। आई माने दीपते। तो जो जो हमने करा वो कहीं कोई नहीं कर सकता। पूरे भारत में तर्क चलता है, हमारे यहाँ कुतर्क चलता है। मेरठ के पास से दो चौधरी साइकिल लेके चले, तो गर्मी के दिन थे, एक की चेन उतर गई, तो दूसरे चौधरी ने कहा, भाई ओमपाल आज तो तेरी साइकिल घड़ी परेशान कर रही है। तो ओमपाल ने अपना मॉरल नहीं खोया, जैसे उसने कहा, ओमपाल तेरी साइकिल घड़ी परेशान कर रही है, बोले फिर क्यों हो गया, पिछले साल तेरी भी तो चोरी भाग की थी। दोनों बातों का मतलब नहीं है, लेकिन उसका मॉरल खत्म कर दिया, बोले तू करे, ये केवल हम ही कर सकते।